भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। ऐसा हम नहीं कहते बल्कि कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा। अपने देवास प्रवास पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बातों ही बातों में ये कह दिया कि आगे जाकर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर कांग्रेस में शामिल हो जाएं। जब उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामकृष्ण कुसमारिया ने कांग्रेस में शामिल होने पर बाबूलाल गौर ने कहा कि उनका एक सराहनीय कदम है। इस पर सज्जन वर्मा ने कहा कि अच्छे लोग अच्छी ही बातें करते हैं, अच्छे लोगों का नजरिया भी अच्छा ही होता है। उन्होंने कहा कि मोदी एवं अमित शाह की जो नीतियां चल रही हैं उससे लोग खासे परेशान हैं। कई तरह के वादे करने के बाद भी अभी तक इन्हें पूरा नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल भाषण देना जानती है, काम तो करना इन्होंने कभी सीखा ही नहीं। वहीं रामकृष्ण कुसमारिया के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को, चाहे वे मध्य प्रदेश में हो या फिर केंद्र में, सभी को साइड में बैठा दिया है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि गोपाल भार्गव ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस सरकार के बाद ट्रांसफर एक उद्योग बन गया है, जिस पर उन्होंने बोला कि पहले गोपाल भार्गव अपने गेरेबान में झांक कर देखें। उनसे पूछा जाए कि जब वो जिस विभाग में रहे वहां क्या उन्होंने इसको उद्योग बना नहीं दिया था। हालांकि कांग्रेस ने एक पूरी लिस्ट निकाल रखी है कि किस तरह से गोपाल भार्गव ने ट्रांसफर को एक उद्योग बना रखा था। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन जिन अधिकारियों ने जनता को लूटा है, जनता को परेशान किया है, उनका हश्र भी आने वाले दिनों में बहुत बुरा होने वाला है। देखिए, हर अच्छा व्यक्ति अच्छी बात की तारीफ करेगा और बाबूलाल गौर साफ बोलने के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। चाहे अपने दल के खिलाफ बोलना हो या विरोधी दल के खिलाफ कुछ बोलना हो। और रामकृष्ण कुसमारिया का कांग्रेस में आना निश्चित रूप से एक शुभ कदम मैं मानता हूँ। आगामी लोकसभा के चुनाव जो 2-2.5 महीने बाद हैं, उसमें रामकृष्ण कुसमारिया के आने से बड़ी ताकत मिलेगी उन क्षेत्रों में। और आदरणीय बाबूलाल गौर जी भी हो सकता है कांग्रेस में आके कांग्रेस की मदद करें। तो असल में क्या है कि नरेंद्र मोदी साहब की नीतियों से पूरे देश की जनता परेशान है, उनके झूठ से पूरा देश परेशान है। 15 लाख डालेंगे, 2 करोड़ हर साल नौजवान को रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हुआ कुछ भी नहीं। तो देश की जनता समझ गई कि ये झूठ बोलने वाली पार्टी है जो सिर्फ भाषण देना जानती, काम नहीं करती। भैया, कुशवाहा ने एक आरोप ये भी लगाया था कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, रघुनंदन शर्मा है या बाबूलाल गौर जी है, सरताज सिंह जी है, 75 या 70 की उम्र के बाद में उनको पार्टी से लाइन बार कर दिया है। नहीं, उन्होंने कोई ऐसा नाम नहीं लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने अपने खून और पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को खून और पसीने से सींचा है, भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं को उठा के गुफा में कैद कर दिया। ये मध्य प्रदेश का भी मामला है और ये दिल्ली का भी मामला है, जहाँ नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी जेबी पार्टी बना लिया है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राम जेठमलानी, यशवंत सिन्हा, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, ये सारे एक कोने में पटक दिए गए। तो ये तो पार्टी शोषण करने वाली है, अपने लोगों का ही शोषण करके खुद जिंदा रहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। भैया, गोपाल भार्गव जी का बयान आया था कि जो कांग्रेस सरकार जैसे बनी है उसके बाद में जो ट्रांसफर हो रहा है ये एक ट्रांसफर उद्योग बन गया एक तरह से, और लगातार ट्रांसफर होते जा रहे हैं, जिसको लेके उन्होंने आरोप भी लगाया। गोपाल भार्गव जी को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए। जब तुम कृषि मंत्री थे और जिन जिन विभागों में रहे सहकारिता में, उन विभागों में कितने ट्रांसफर तुमने किए, सारी सूची कांग्रेस ने निकलवा ली है। कितने सैकड़ों की तादाद में ट्रांसफर, जब जब जिस विभाग में ये रहे, इन्होंने उद्योग बना लिया था अपने विभागों को, और उद्योग ट्रांसफर उद्योग इन्होंने चलाया है। कांग्रेस अभी सत्ता में आई है 15 साल के बाद, जिन लोगों ने जनता का खून चूसा है, जिन अधिकारियों ने, जिन्होंने जनता के खिलाफ काम किया है, कांग्रेस निश्चित रूप से डंके की चोट पर उनको हटा के लूप लाइन में डालेगी।